सुबह से 8 बजे से लगातार जो है मतगणना हो रही है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव, जिसके नतीजे कुछ ही देर पर फाइनल हमारे पास में आने वाले हैं। तो वहीं रुक करेंगे बीजेपी की ओर, जहां 276 जो है सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी को देखने को मिल रही हैं। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो 120 सीटें देखने को मिल रही हैं। बसपा की बात करें 4, तो वहीं कांग्रेस में 2 और अन्य 1। कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस जो है 2 सीटों पर कहीं ना कहीं सिमट कर दिख रही है, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है 2 सीटों पर सिमट रही है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो 117 विधानसभा सीटों की पंजाब की अगर बात करें, कांग्रेस 18 तो बीजेपी 2 में ही कहीं ना कहीं यहां पर सिमटी हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी 90 यहां पर पहुंच चुकी है। वहीं अगर तीनों अलग अलग अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो जो आम आदमी पार्टी है 90, तो अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। तो वहीं पंजाब में 90 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को मिलती यहां पर दिखाई दे रही है। अगर मणिपुर की बात करें 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 23 सीटों पर आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें 14 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इस वक्त की अपडेट आपको लगातार हम केकेर स्क्रीन पर दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से लगातार जो है आंकड़े आपको बता रहे हैं, रुझान आपको बता रहे हैं। इस देश की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी से सपा में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी से सपा में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, वहीं अब सपा से उनको एक बड़ी हार मिली है। तो ये बड़ी हार जो स्वामी प्रसाद मौर्य की है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी जीत बनती नजर आ रही है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य, देखा गया जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य तीखे बयानों से भाजपा को घेरते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं बड़ी जीत का दावा भी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए। और जब आज फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं, ये एक भाजपा के लिए बड़ी जीत बनती दिखाई दे रही है। बताना चाहेंगे आपको, बीजेपी से सपा में शामिल हुए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन आज फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य